सो पावर ट्री में आपका एडाप्टर मोड में क्या होगा, 19 वोल्ट ट्रेवल करेगी और बैटरी मोड पे 12। किसी सेक्शन से अब अगर देखा जाए तो आपका चार्जिंग सेक्शन भी यहीं पे कनेक्टेड होगा, या चार्जिंग सेक्शन कनेक्टेड होता है यहाँ से बैटरी मोड पे होता है आपका, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर चार्जिंग, ठीक है, ये भी कनेक्टेड होता है इसी रेल से, ठीक, और यहाँ से चार्ज करके बैटरी से फिर ये बैटरी। अब इसके बाद आपका कौन सा सेक्शन काम करता है, 3 and 5 वोल्ट, 3 volt and 5 volt रेगुलेटर, ओके। अगर इसमें देखा जाए तो 3 and 5 volt को भी अगर इसको मैं देखूं, होगा ये भी अगर आप देखेंगे कई जगह पे गया होगा, ठीक है। 5 वोल्ट को भी अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट भी जितने एक्सटर्नल चीजें हैं वहां वहां पे कनेक्टेड होगा। 3 वोल्ट आपका पीसीएच को जाएगा, आईओ को जाएगा, लैन सेक्शन को जाएगा, 3 वोल्ट से फिर 3 वोल्ट स्क्रीन की सप्लाई जनरेट होगी, 3 वोल्ट रन की सप्लाई जनरेट होती है ग्राफिक्स के लिए, 5 वोल्ट यूएसबी के लिए कन्वर्ट होती है, 5 वोल्ट सस कन्वर्ट होता है आपका साटा के लिए, पाटा के लिए, हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है, हार्ड ड्राइव के लिए, यूएसबी के लिए। तो ये सारा चीज किस पे कनेक्टेड होता है, 5 वोल्ट की लाइन पे, ठीक है, ऐसे ही। फिर आपका यहाँ पे कनेक्टेड होता है फिर रैम रेगुलेटर, रैम के बाद पीसीएच कोर, मतलब पीसीएच कोर का मतलब 1.05 या जीएमसीएच कोर, पीसीएच कोर के बाद ही आपका क्या कनेक्टेड, सीपीयू जीएफएक्स, सीपीयू कोर, फिर वीजीए जीएफएक्स, इसको नीचे करते हैं, वीजीए जीएफएक्स और लास्ट में सीपीयू जीएफएक्स, ठीक है। अब इस ट्री में आप देखेंगे 3 वोल्ट कई सेक्शन में कन्वर्ट होगा, 3 वोल्ट सस, 3 वोल्ट रन, 3 वोल्ट पीसीएच की सप्लाई, 5 वोल्ट इसी तरह 5 वोल्ट सस में, 5 वोल्ट रन में, 5 वोल्ट साटा, सब पीसीएच की सप्लाई, 5 वोल्ट साटा की सप्लाई, तो यूएसबी 5 वोल्ट यूएसबी के लिए कन्वर्ट किया गया रहेगा, यूएसबी सेक्शन कनेक्टेड हुआ, तो ये ट्री और आगे बढ़ता है। तो इस तरह का जो डायग्राम आपको मिलेगा बोर्ड स्कीमेटिक में, इसे कहते हैं पावर ट्री, क्या बोलते हैं, पावर ट्री।